इन दोनों को देख के मेरा इतना दिल खुश होता है और दिल से दुआ निकलती है कि या अल्लाह पाक जिसके भी हैं अल्लाह उसे नसीब करे और हमें भी दे अगर हमारे नसीब में है तो। अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग। होश नहीं आ रही पर ब्लॉग स्टार्ट कर लिया होगा मैंने। कैसे हैं आप सब? खैर खैरियत से? ठीक ठाक है। आज जाना है यार खानपुर, वहाँ पे इंस्टॉलेशन करनी है और आज भी इधर रहना है, कल भी दो चार काम है वो भी करने हैं, तो कल निकलेंगे शायद। तो मैं सोच रहा हूँ, ओए यार मैं सोच के आ रहा हूँ, मैंने सूट प्रेस करने के लिए नहीं दिया, रात को मैं देता तो अभी मुझे प्रेस करते मिल जाता, मैं वो पहन लेता। वो देखिए मेरा बैग वैसे का वैसे ही पैक पड़ा है, मैंने रात इसे छेड़ा तक नहीं है, और ये जो मैंने कल सूट उतारा है ये वो खड़ा हुआ। तो फिर यही करता हूँ, जो कल उतारा था वही पहन लेता हूँ। यहाँ पे कौन सा मुझे किसी ने रिश्ते के लिए पसंद करना है? ओ यार मैं अभी बॉस से होके आया हूँ और बॉस से ख़बर सुन के तो जज्बात ही बदल गए हैं। जज्बात क्यों बदले हैं? मुझे लगा था कि शायद हम लोगों ने जाना है इंस्टॉलेशन के लिए फिर वापस आना है, तो अभी बॉस कहते हैं यार मैं भी साथ आता हूँ, प्लान चेंज हो गया है, तो वहाँ से इंस्टॉलेशन करके फिर हम आगे चले जाएँगे राजनपुर, और राजनपुर से फिर डी जी खान, तो रात डी जी खान ही गुजारेंगे। मैं कह लो यार बढ़ गया सारा प्रोग्राम। चलो प्रोग्राम तो बड़ा ही है, तो इसे तो रखें बैग में, फिर बैग शैग पैक करें, साथ ही लेके जाना है सारा कुछ। तो यार मुझे पहले पता होता कि डीजी खान भी जाना है, राजनपुर भी जाना है, तो मैं सूट अपना प्रेस करा के वही पहन लेता। अभी मैं इतना अजीब सा लग रहा हूँ खुद को, ये बड़ा वो सूट जो साथ लेके आया था, पैंट शर्ट भी लाया था एक, बट मेरा दिल था कि मैं सूट पहनूंगा, तो जो वो सारा दिल है ना वो अब कल पहनना पड़ेगा, कल डीजी खान रुकना ही है। पर ये चेंज कर लेता तो ज़्यादा बेहतर था। चलो खैर है कोई बात नहीं। ओ मेरी हैंड फ्री, ये भी तो रखनी है। छोटी सी जिप है ये, छोटी सी। यूनिट खैर से चला दिया होगा, नंबर वाला स्टिकर भी देखते हैं। शुक्र काम हो गया हुआ यहाँ का, और अब इधर से निकलते हैं। मेरा तो जो दिल है ना कि जो मैं चाह रहा हूँ ना, मैं वो ये चाह रहा हूँ कि आज ही हम राजनपुर जाएं, राजनपुर थोड़ा सा काम है, डीजी खान जाएं और 6-7-8 बजे निकल जाएं लाहौर के लिए। यार सुकून से जाके लाहौर सोएंगे, लेकिन जो सर है ना मुझे नहीं लगता वो निकलेगा कि वो डीजी खान जाके ना होटल लेके सो जाएगा। हाय यार मेरे आँख खुद आया। अब हम जा रहे हैं भाई साहब राजनपुर, सर की लगी आँख तो मौके का फ़ायदा उठाता हुआ मैंने कहा चलो वीडियो भी बना लो। राजनपुर पहुँच गए, उसके बाद गाड़ी मैंने सर के हवाले कर देनी है, फिर हम जाएंगे वहाँ से डीजी खान। यार ये चेक करें, मैंने कहा मैं आपको टूटियाँ दिखा दूँ ना, इन्हें जाएंगे डीजी खान के लिए हम जा रहे हैं, तो रास्ते में रुके हैं खाने के लिए, तो बोल नहीं रहा मैं वॉशरूम में, इसलिए वॉइस ओवर की है। यार इससे और सेकेंड इससे इसे देख के ना दिल खुश हो जाता है मेरा, इन दोनों को देख के मेरा इतना दिल खुश होता है और दिल से दुआ निकलती है कि या अल्लाह पाक जिसके भी हैं अल्लाह उसे नसीब करे और हमें भी दे अगर हमारे नसीब में है तो। ये हम डीजी खान से भाई साहब 25-26 किलोमीटर दूर खड़े हैं शनवारी क्वेटा रेस्टोरेंट पे, तो सर कर रहे हैं गपशप, मैंने भी खाना खा लिया, तोकीर ने भी खा लिया, तोकीर वॉशरूम चला गया, तो मैं कहा यार मैं बात कर लूँ, काफ़ी दिन हो गए मैंने बात नहीं की, तो सर का मिल गया था दोस्त, सर उसके साथ बैठ गए, मैंने कहा लोगों 15-20 मिनट लग जाने हैं, तो मैं तब तक बात करता हूँ। लेट है आओ। लाहौर क्लतर का प्रोग्राम बढ़ रहा है भाई साहब, और मेरा दिल भी शदीद धक धक धक, क्योंकि ये छठा बैच है।
क्या फ़ायदा है ऐसे सिक्स का, खुशी भी नहीं हो रही। कोई यार लाहौर कलंदर की हमेशा सपोर्ट करनी है, बेशक लाहौर अगले सारे PSL हार कर एक मैच भी ना जीते, क्योंकि लाहौर लाहौर है और हमेशा लाहौर कलंदर के फैन रहेंगे सिर्फ लाहौर की वजह से। यार टीमें हारती हैं लेकिन ऐसे भी नहीं होता, छः मैच 1, 2, 3, 4, 5 और 6, और लाहौर के हारने के दुख में ना मुझे भूख लग गई है, तो हम कुछ खाने के लिए लेने जा रहे हैं हल्का फुल्का सा। हाय गाड़ी चलाने का भी दिल नहीं कर रहा यार, लाहौर क्यों हारा है। इस टाइम डीजी खान में ये बेकरी आइटम मिलनी थी, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि ये डीजी खान है और ये बंद हो गया हुआ है। ये देखें काफ़ी सारी शॉप्स हैं बंद, ये एक बेकरी खुली हुई थी। यार पता नहीं लाहौर कलंदर को क्या हुआ है, मुझे लगता है जो दो चैंपियन ये इकट्ठे जीते हैं उनकी नज़र लग गई है, तो सोने की तैयारी करते हैं, मूड बहुत ज़्यादा ऑफ है। आई नींद नहीं आ रही है, कलंदर क्या किया तुम लोगों ने, अल्लाह के बंदो। खे रातों को उठ उठ के परेशानियाँ हो रही है मुझे, सॉरी रात को नहीं उठा, अभी उठाऊँ 10-15 मिनट हुए नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने कहा चले एक्टिंग कर लूँ थोड़ी सी, वीडियो शीडियो बना के ना कलंदर का फ़ैन होने की फुल, लेकिन हूँ तो मैं लाहौर का फुल फ़ैन। चले यार अब सोते हैं, अब नहीं उठना मैंने, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।